जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी इंट्रैक्शन किसकी जो पासिंग आ, हमारे पास आ, पार्टिकल्स होंगे ठीक है इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूक्लियर रिएक्शन विल टेक प्लेस मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास एरिया होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी और अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जब हम किसी भी पार्टिकल को बम्बार्ट करवाएंगे और उसे हम पॉइंट पार्टिकल्स की तरह कंसीडर करेंगे पॉइंट पार्टिकल्स क्या होते हैं जिनका डायमीटर जो है वह नेग्लिजिबल होता है सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ न्यूक्लियस एंड यू कैन सी दिस रेट इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंड आई इज़ इंटेंसिटी एंड इज नंबर ऑफ टारगेट एटम पर यूनिट टाइम एंड एरिया and एंड दिस uh, th sorry this is not sigma actually this is one is nuclear cross section सो so, uh, एक छोटा सा ये टॉपिक है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगी वैसे ही एनर्जी जो है वो न्यूट्रॉन्स की इंक्रीज होती चलेगी सो so, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ क्यू वैल्यू इन केस ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन आप डेरिवेशंस भी स्टडी uh, कर सकते हैं बट वो थोड़ा फिजिक्स के टॉपिक में आ जा आता है और केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें ये डेफिनेशन एंड ये छोटी सी स्टेटमेंट uh, मैथमेटिकली ही इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ इसमें आ जाएगा Q वैल्यू तो Q वैल्यू जो है वो हमें अमाउंट के बारे में बताएगी किसके अमाउंट के बारे में जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्व हो रही है किसी भी रिएक्शन में ठीक है रिएक्शन कैसे होगा जैसे जैसे इंक्रीज होगा एरिया एरिया में जब हम पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करवाएंगे तो जितने ज़्यादा रिएक्शन होगा उतना ही ज़्यादा एबजॉर्बशन या रिलीज़ होगी काइनेटिक एनर्जी और जब हम उस अमाउंट को Uh, देखेंगे दैट इज़ द क्यू वैल्यू सो क्यू वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी अगर ये ज़ीरो है तो रिएक्शन जो है वो लास्टिक स्कैटरिंग है अगर नेगेटिव है तो एंडोजनिक है और पॉजिटिव uh, है तो एक्जो है ठीक है तो क्यू वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफ़ाइंड एज डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी जब हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं वो रिएक्ट प्रॉपरली नहीं किए हुए हैं अभी रिएक्ट करेंगे तो उनके पास जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है रिलीज या एब्जॉर्ब जो भी करेंगे वो वो डिफरेंट है प्रोडक्ट के साथ तो जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज़ क्यू वैल्यू अब हम इसे एक रिएक्शन के थ्रू डिस्क्राइब uh, करेंगे तो एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं दैट इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए एज एम्प्लायज टू एक्स स्मॉल एक्स एंड क्यू तो काइनेटिक एनर्जी अगर इन पार्टिकल्स की ले तो ई ए ए ई ई एक्स ई एक्स और मास एम एम ए ठीक है और जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है एंड uh, अगर उसके बाद हम बात करें कि uh, जो Q है वो किसके इक्वल होगी e एक्स प्लस ई स्मॉल एक्स माइनस ई क्योंकि हमारे पास जो लैब में ई uh, ए है वो नॉर्मली रेस्ट पे होता है तो ज़ीरो होगा ठीक है और अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास uh, एक्स है वो रिकॉयल हो रहा है एट दी एंगल ऑफ फाई एंड एक्स जो है वो थीटा पे तो इंसिडेंट पार्टिकल ए का जो कुछ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा वो कुछ इस तरह से आएगी इसकी वैल्यू तो हम इसे स्टडी कर लेंगे एंड अगर मास जो हैं वो हमारे पास हमें एकूरेटली uh, नहीं पता है तो हम एक मतलब जो क्यू वैल्यू है उसको मास नंबर की जगह एक्चुअल मास की जगह नॉर्मल मास नंबर भी ले सकते हैं अगर अनदर मेथड की हम बात करें तो क्यू फॉर एनी रिएक्शन कैन आल्सो बी फाइंड बाय यूजिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन हम सब जानते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर और ई ए हमारे पास जो है वो जीरो है लैब में जब कॉर्डिनेट करेगा ए तो वो नॉर्मली रेस्ट पे होगा दैट्स वाई इट इज जीरो तो हमारे पास ये आ जाएगा ई e ए Uh, मतलब हमारे पास जो स्मॉल ए है ठीक है देन कैपिटल एंड देन स्मॉल एंड देन वो आगे की इक्वेशन ठीक है अब हमें ये भी पता है कि जो क्यू है वो किसके इक्वल है ई एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई ए क्योंकि ए ई ए जीरो है तो अगर हम इसमें इसकी वैल्यूज को हम पुट करें तो कुछ इस तरह की वैल्यूज आएंगी एंड प्लस सी का स्क्वायर ओके सो दिस इज ऑल अबाउट क्यू वैल्यू एंड न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन Hope you all like it. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.